हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। कमिश्नर अनिल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक, संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा, शिक्षक कर्मचारी और छात्र छात्राओं ने दी अटल जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। दीवानी कचहरी में आयोजित हुआ बार एसोसिएशन का चुनाव, अध्यक्ष पद वीरेंद्र शाही और अजय शुक्ला मंत्री पद पर हुए निर्वाचित, अन्य पदों की मतगणना जारी। थाना समाधान दिवस पर खोराबार थाने पर डीएम और एसडीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं, निस्तारण के दिए निर्देश। थाना समाधान दिवस पर कई विभागों के कर्मचारियों का अनुपस्थिति पर किया गया स्पष्टीकरण तलब। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा, वक्ताओं ने कहा सदा सदा जीवंत रहेगी श्री वाजपेयी की रचनाएं और उनके संघर्ष। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय के गेट के समक्ष लगाया गया सदस्यता शिविर, विश्वविद्यालय के 5000 छात्र छात्राओं को परिषद के साथ जोड़ने का बनाया लक्ष्य। जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को गलत ठहराते हुए जन नायक कपूरी ठाकुर सेवा समिति के सदस्यों ने जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को प्रेषित किया गया ज्ञापन। 23 अगस्त से 31 अगस्त तक जनपद के सभी तहसीलों पर आयोजित होगा कार्यशाला, आपदा न्यूनीकरण एवं जलवायु के परिवर्तन के दृष्टिगत संयुक्त रूप से किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा कर बनाई जाएगी रणनीति। लोकतांत्रिक जनता दल के सदस्यों ने निकाला विरोध जुलूस, बीते 9 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर भारत के संविधान की प्रतिलिपि जलाने वालों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत ऋण के लिए प्रस्तावित साक्षात्कार की निर्धारित तिथि हुई स्थगित, अब आवेदक 23 अगस्त तक जमा कर सकते हैं आवेदन। और गौतम स्पोर्टिंग ने फुटबॉल एकेडमी मेडिकल को 1-0 और पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय ने फुटबॉल क्लब गोरखपुर को 2-0 से हराकर पहुंचा जिला फुटबॉल लीग के फाइनल में।